राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में और आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। भाई अभी खाना खाने का टाइम हो चुका है मेरा, खाना खाते हैं ब्लॉग शुरू कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे ना मम्मी और पायल का तो चल ही रहा था खाना, मैं थोड़ा लेट हो गया आज क्योंकि भाई है ना कल मैंने दोपहर को खाना खाया था, मतलब 3-4 बजे खाना खाया होगा, तब से अभी मैं सीधा आज खा रहा हूँ क्योंकि मुझे रात को भूख ही नहीं लगी। तो मैं आजकल ऐसा ही करता हूँ भाई, थोड़ा भूख लगने के बाद ही खाना खाता हूँ, टाइम टू टाइम खाना बंद कर दिया है मैंने, जब बॉडी को नीड होगी तब खाना खाएंगे। ठीक है, यस, दही इज माय फेवरेट थिंग इन द वर्ल्ड, इन द एंटायर वर्ल्ड। कितना टेस्टी दिखता है ये, दिखने में कितना सही दिखता है यार। और भाई हमारा जो मैंगो है ना वो वाला, उसके सारे जो कच्चे आम है ना ऐसे गिर जाते हैं नीचे, ये देखो ये छोटे छोटे कैसे लग रहे हैं मम्मी। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है मम्मी? नहीं पापा ने कुछ बोला तुम्हें? पापा की इतनी हिम्मत। हंसी के पीछे वही था। ये देखो भाई कितना सारा डाल दिया। और आज मेरी फेवरेट सब्जी है, वन ऑफ द फेवरेट सब्जी, इसमें है सवड़ी। सवड़ी लगा मानता कि हिंदी में पायल पता हो? सवड़ी ला हिंदी में क्या मानता? शक्कर 1 चम्मच डालो सिर्फ। ग्रेट सक्सेस। और भाई आज फ्राइडे, आज वीक का लास्ट डे, आज फ्राइडे है ना? ओ माय गॉड, गुरुवार है क्या आज? एक और दिन काम करना पड़ेगा। थर्सडे आज। ओ माय गॉड, मम्मी मन क्या है इंग्लिश वार मन? हाँ बोलो इंग्लिश जो डेज है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे। बट गुड अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट। तो हमारी मम्मी का इंग्लिश सही है। ये देखो भाई मेरी मेरी कितनी सेवा करती है पायल, जबरदस्ती की सेवा करवा रहा हूँ। आज पता क्या हुआ, मैंने ब्लॉग है ना रात को 12 बजे अपलोड करके रखा, सब हो गया था, ब्लॉग अपडेट था, सिर्फ मुझे उसको सुबह 7 बजे है ना लाइव करना था, तो मैं उठा ही 8:30 बजे और मैं रात को स्केड्यूल करना भी भूल गया, इसलिए मेरा ब्लॉग लेट आया। तो हर टाइम पे मैं लेजी नहीं होता दोस्तों, कभी कभी मैं क्या बोलते हो उसे थोड़ा सा छूट जाते हैं। हाँ मेरे दिमाग में नहीं रहती चीज़ें, थोड़ा सा ये हो जाता है। ठीक है तो एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है खाना खाते। तो ये देखो भैया हमारी स्टोरेज रूम भी रेडी हो चुकी है, इसका कलर भाई इतना सही आ रहा है ना, देखो मैं आपको ऐसे घुमा के दिखा दो, कितना सुंदर दिखता है बैकग्राउंड है ना, मस्त दिख रहा है यार, मुझे लग रहा है हमारे रूम को भी ऐसे कलर दे देते हैं। ये देखो हमारी मम्मी जी, अबे ओए मम्मी, तो यहाँ पे सामान लगवाना है। और ये देखो दरवाजे भी आ गए हमारे घर के, ये ऊपर के टॉयलेट का दरवाजा है और ये इस घर का दरवाजा है, लॉक इधर लगा देंगे आज। मम्मी इतनी घाई गड़बड़ी में काम क्यों हो रहा है? इसलिए मम्मी का भाई एक बार सुनील की शादी हो जाएगी ना, मम्मी पापा रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी पेरेंट होता है उनके जिंदगी का 2-4 ही काम होते हैं, मतलब बच्चों के प्रति जो इम्पोर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में से बच्चों का एजुकेशन और उनकी शादी वादी करवाना, तो एजुकेशन हो गया है अभी शादी करवानी बस, तो बहुत ही ज़्यादा तन मन धन से काम होता है। पायल मम्मी को हेल्प नहीं करेगी? तो ये देखो भाई ये जो हमारा रूम था पहले, इसमें जो सारा सामान था अभी हम जो हमारा स्टोरेज रूम बना है ना उसमें डाल देंगे, ये कबर्ड भी आ जाएगा उधर, और मैं पायल का ब्लॉग शूट करने में मदद कर रहा हूँ। ठीक है पायल का मराठी ब्लॉग आने वाला है। ये देखो भाई हमारा मूंगफली का स्टोरेज, ओ माय गॉड, मम्मी ने अकेले ने ये कबर्ड बाहर उठा के लाया। ये देखो एक चिपकली से इतने डर रहे हैं लोग। जितना जितना भारी सामान था सब हमने इधर डाल दिया है। वेल डन गाइज, वेल डन। नहीं तो ये देखो भाई पायल का जो कबर्ड है इसमें भी ये यहाँ पे एक सेक्शन लगा दिया है,
तो मतलब अभी इसके अंदर भी कपड़े फिट बैठेंगे, यहाँ पे एक सेक्शन हो जाएगा और मेरे कपट के अंदर भी दो सेक्शन ऐड हो जाएंगे। तीन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। क्या होता है अगर ये सेक्शन नहीं होता ना, कपड़े ऐसे फिसल जाते हैं, ठीक से फिट नहीं होते, इसलिए सेक्शंस डालने पड़ेंगे हमें। लास्ट टाइम हम भूल गए थे। और ये देखो भाई, ऊपर भी पैक हो चुका है अब। ये देखो भाई, एकदम सही दिख रहा है अभी, खतरनाक लग रहा है। हाँ मुझे भी लगता है वो पूरा तक होता ना तो बहुत अच्छा दिखता, बट तुमको नहीं चाहिए। आई एम द लास्ट डिसाइडर। अभी ये बोल रहे हैं कि वो किचन वाला नहीं होगा क्योंकि उसके लिए प्लाउड ही नहीं बचा है। करना पड़ेगा प्रदीप भाई, कुछ भी करके करना पड़ेगा वो। और तो ये कपड़े देखो कहाँ पे कबर्ड में से सारे निकाल के, यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े, यहाँ पे नीचे कुछ है, सारा हमारा रूम है ना, कबाड़ खाना बन चुका है। मुझे देख के क्यों बोला भाई कबाड़ खाना? सारा हमारा रूम है ना, कबाड़ खाना जो चाहे वो यहाँ पे आता है। गालियां दे रहे लोग। ओ भाई, फाइनली दरवाजे लग चुके हैं इस घर के। घर के नहीं, वार्डरोब के। हाँ, वार्डरोब के। सही दिख रहा है भाई, एक नंबर हो गया। अभी अभी थोड़ा अंधेरा है ना, तो अभी तो सही नहीं दिख रहा होगा, कल सुबह दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है? ये देखो भाई, गोल्डन वाली पट्टी डाल दी इसके अंदर, अभी दरवाजों के अंदर। ये देखो भाई, कितने लोग आ जाते हैं फर्नीचर देखने के लिए। भाई आज बड़ी दिक्कत होने वाली है। ये देखो हमारा बेड है ना, इसके ऊपर कितना सारा सामान गिर चुका है यहाँ पे, तो हम कहाँ सोएंगे पायल आज? What are your thoughts? ये वाला गद्दा काम आ जाएगा फिर, इसको नीचे डाल देंगे, पर इसको ठीक नहीं करेंगे, नहीं, इसे बोलते हैं आलस। नहीं, इसे ठीक करेंगे, आप मेरे हेल्प करोगे। हाँ, अभी खाना खाने का टाइम हो चुका है भाई, और आज है ना भाई, एक रूम को मैं लाइट बंद करता हूँ। हाँ देखो, हमारे रूम का लाइट कैसे बंद होता है, देखो चालू करना है, चालू करना है, खींचो उसको। वाह, न्यू सिस्टम है, इसे कहते हैं छोटे, मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड की जरूरत नहीं रही अब, लाइट हर टाइम ऑन रहेगा, हम उसको लाइट बंद कर देंगे। आज एक न्यूज मिली है भाई कि एमएस धोनी साहब ने कैप्टनसी से इस्तीफा दे दिया है। अब सीएसके के जो कैप्टन है वो ऋतुराज गायकवाड़ होने वाले हैं। काफी बुरा लगा यार, मतलब धोनी नाम और सीएसके का नाम और कैप्टनसी, जो सब रिकॉर्ड्स वगैरह थे वो देख के ऐसा, मतलब आदत हो गई थी ना धोनी और सीएसके, ऐसा हमेशा धोनी ही कैप्टन रहेगा ऐसा लगता था, पर अब तो धोनी भाई ने बोल दिया है, तो मतलब ये सीजन लास्ट होने वाला है धोनी भाई का। दिल को बुरा लग रहा, दिल को बहुत बुरा लग रहा है भाई, पर कोई ना, अच्छा करियर था और बहुत बहुत एंजॉयमेंट लिया भाई मेरे तो। मुझे तो पहला इंस्टेंस याद है जब मैंने धोनी को पहली बार, मतलब मुझे याद है कि मैंने धोनी नाम कब सुना था, जब उन्होंने 183 रन बनाए थे ना, तब मुझे पहली बार याद है मैंने धोनी नाम सुना था, और भाई मैं फैन हो गया था तब से, 2004 से। एंड हो गया है एम एस धोनी एरा का, बट हमारे दिल में हमेशा के लिए एम एस धोनी जिंदा रहेंगे, ठीक है? चलो जाते हैं खाना खाने के लिए। चलो भाई खाना वाना खा लेते हैं। पायल चलो जल्दी, सुनील चलो जल्दी, भूख लगी है। और आज हम टीवी पे देखने वाले हैं राजीव गांधी जी की हुई थी, उसका 3D एनिमेटेड वीडियो देखेंगे। आई एम अ डाई हार्ड MSD फैन। मैं तो चाहता हूँ भाई इस साल है ना, अगर धोनी का कोई मैच रहेगा ना तो मैं जाऊँगा देखने के लिए। मैंने बोला है RCB का और चेन्नई का, उसके टिकट्स के लिए बोल रखा है मैंने, अगर मिले तो तुम जाना, ठीक है? मजा आएगा यार। मेरा एक दोस्त है वो स्टेडियम के पास ही रहता है, उसको मैंने ऑफलाइन टिकट बोला है, क्योंकि ऑनलाइन वाला साला ब्लैक में बहुत बेचते, बहुत पैसा जाता है उसमें, इसलिए मैंने इस बार थोड़ा ऑफलाइन जुगाड़ लगाया है। तेरी शादी भी है ना, तू तो नहीं जा सकता इस साल। हाँ, क्यों नहीं जा सकता मैं? चप्पल से पीटेगा फिर तो, मम्मी से या तो नई वाली चप्पल से पीटेगा सिर, समझा? हाँ, सीक्रेट रखेगा तो, देखेगी मम्मी ब्लॉग तब पता चलेगा तुझे। कल मम्मी की रिएक्शन बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? भाई 10:30 बज गए, आज हमारी फैमिली डिस्कशन मोड में घुस गई, ठीक है? डिस्कशन हो रहे थे, गहरे डिस्कशन। तो अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, करो तुम लोग सब्सक्राइब कर दो अभी, क्या ठीक
क्या हो गया, मारा गया? ये मारा उन्होंने मुझे। फिर क्या हुआ तुझे? वो नाजुका नहीं क्या? इतना तो मैं भी मार सकता हूँ और तू भी मार सकता है ना। ये देखा ऐसे जाने दो अभी, चलो गुड नाइट गाइज।